बिल्कुल श्वेता जी, कॉन्ग्रेचुलेशन मिर्जापुर के लिए। थैंक आपने यू, थैंक यू सो मच। आपको कैसा लगा पहले आप ये बताइए। है सुपर, बहुत ना, ही बढ़िया, मजा आया आपको। बिल्कुल, मतलब जितना बेसब्री से इंतजार लोगों को टू था, वैसे ही जी कुछ किया है मिर्जापुर ने। तो आप बताइए कि क्या बात है। बैक टू बैक, मतलब आप तो ऐसे जिस जिस भी प्रोजेक्ट को आप हाथ लगा रही हैं, बैक टू बैक वो हिट हो जी रहा है, सुपर हिट हो रहा है। फिंगर्स क्रॉस्ड। जी हमारी कोशिश तो हमेशा यही रहती है कि जो भी काम से जुड़े उसको जस्टिस कर पाए। उसके बाद होप रहती है, आशा ही रहती है कि जब ऑडियंस देखेगी तो उनको भी मजा आएगा, उनको भी पसंद आएगा। थैंकफुली अभी तक, चाहे वो रात अकेली से शुरुआत हुई हो और फिर द गॉन गेम, फिर कार्गो और फिर द बाप ऑफ देम ऑल, एक शॉर्ट फिल्म भी आई थी मेरी लघु शंका करके, तो वो भी बहुत ही प्यारी शॉर्ट फिल्म है। जो दंगल और छिछोरे के जिन्होंने डायलॉग्स किए हैं, को राइटर जो हैं, तो उन्होंने ये डायरेक्ट किया, उनकी पहली डायरेक्टोरियल डेब्यू है, तो वो भी बहुत प्यारी फिल्म है। आपको जब भी टाइम मिले आप जरूर देखिएगा। बिल्कुल, मैं देखने के बाद मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। सो जी आप बताइए कि बहुत बड़ी कास्ट है मिर्जापुर की, अगर मैं बात करूं, एंड बहुत जी बड़ा सक्सेस भी हुआ है। मैं सारे स्टार कास्ट से बात कर रहा था, बिलीव नहीं हो रहा है। आप बताइए पहले कि कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? इतनी बड़ी स्टार कास्ट है, पंकज त्रिपाठी जी है, अली फजल है, मुन्ना जी भैया है, बोलू हमारे सामने बैठे हुए हैं। सो आप बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जो सब लोग इसमें जुड़े हुए हैं ना, इनफैक्ट मैं जो टाइप के प्रोजेक्ट पसंद करती हूँ, मेरे लिए स्क्रिप्ट बहुत जरूरी होती है। और एक और चीज जो बहुत जरूरी होती है कि लोग कौन है, क्योंकि जो हम लोग जो करते हैं ना, मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मैं एक ऐसी चीज करती हूँ एज अ जॉब जिससे मुझे प्यार है। कल से इनफैक्ट मेरा एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है और मुझे मतलब पूरा ऐसा पेट में, दिमाग में पूरा गुड़ 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 हो रहा है, क्योंकि किरदार को समझना डेफिनेटली आपका काम होता है, लेकिन आपके आसपास जो लोग भी होते हैं वो आपकी बहुत मदद करते हैं, तो उनका भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है। इनफैक्ट जब आप एक किरदार बनते हो तो वो एक्टर के अलावा, राइटर डायरेक्टर के अलावा, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट, मेकअप डिपार्टमेंट, जिस तरह से आपको शूट किया जा रहा है, एंड मिर्जापुर में कास्ट एंड क्रू सबकी सब इतने बढ़िया थे, इतना प्यार और रिस्पेक्ट, ये दोनों चीजें मिर्जापुर में फूट फूट के भरी हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अगर डायलॉग डिलीवरी की बात करूं, जी बहुत ऐसे डायलॉग्स हैं जो लोगों को बहुत पसंद आए हैं। आप बताइए, जब आप उस डायलॉग्स में जब आप आर्टिस्ट चले जाते हैं, तो वहां से फिर बाहर निकल, क्योंकि बहुत सारी गालियां हैं, ये कर दूंगा तेरा, वैसा कर दूंगा, ऐसे सारे सीन्स हैं, तो फिर वहां से बाहर निकलना कितना डिफिकल्ट होता है श्वेता जी के लिए? गाली तो बहुत ही छोटी चीज है, आप गलत चीज को पकड़ रहे हो। गाली से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इमोशन क्या है। यहाँ पे बबलू और स्वीटी मरे हैं, गाली तो मतलब बहुत ही एक छोटी चीज है। प्रॉब्लम ये है कि लोग गलत चीज को पकड़ के बैठ जाते हैं। आपको अगर पूरे मिर्जापुर में आपको वो दुख दर्द नहीं नजर आ रहा है, आपको गाली नजर आ रही है, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है अभी एक्चुअली कि आपने ये सवाल किया, क्योंकि इस सवाल का तो हाँ अगला सवाल भी मेरा वही था कि वो गन चलाने वाले भी बात हम करेंगे, जिस तरह से जी आपने सीखा है, इमोशंस की बात जी करेंगे, वही मेरा सवाल था। तो मैं मतलब अपने दर्शकों को भी, ऑडियंस को भी यही कहना चाहूंगी कि आप इमोशन को समझिए। जो अगर गाली दी भी जा रही है तो वो एक मजाक के दौर में दी जा रही है। अगर आप मुन्ना भैया की कोई भी डायलॉग लें तो जो उसकी मीनिंग है उसको समझिए प्लीज। एंड मुझे पता है कि ऑडियंस हमारी बहुत इंटेलिजेंट है, तो ये जो बिल्कुल सोसाइटी में अगर कुछ लोग ये सब बातें कर रहे हैं तो इन सबसे दूर रहिए। आपका जजमेंट बहुत बढ़िया है, आपको पता है क्या चीज देखनी चाहिए, क्या चीज सही है, क्या गलत है। एज एक्टर्स हम अपने अपने इमोशनल, मतलब मुझे रात में सोना मुश्किल हो गया था क्योंकि मुझे नाइटमेयर्स आते थे, तो अगर वो सब छोड़ के आप लोग ये छोटी छोटी चीजें पकड़ेंगे तो एज एन एक्टर, जैसे राइट नाउ मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आपने ऐसे बोला, क्योंकि आप वो डाइल्यूट कर देते हो। हमारी जो जितनी मेहनत होती है, हमारे जितने इमोशंस होते हैं, वो सिर्फ ऐसे वायलेंस या फिर गाली, ये सब तो चीजें होती हैं। क्या हम लोग गाली नहीं सुनते हैं? क्या आपको गाली देके आपको वो फिर आपका दिन मुश्किल होता है काटना? नहीं, नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप बहुत जब मुश्किल। गाली
आप मुश्किल होता है, आप जब गाली देते हैं आपके बाद दिन मुश्किल होता है काटना। बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं, तो ऑडियंस जब आपका कोई कैरेक्टर जब दे रहा है तो इतनी बड़ी बात क्यों बना दी जाती है। तो यही मैं मतलब, खैर एनीवे, आई होप हम लोग इस चीज के बियॉन्ड देखना चालू करें, क्योंकि एज एन एक्टर इमोशनली फिजिकली बहुत एग्जॉस्टिंग होता है। एंड हम ये सब अपने सेटिस्फेक्शन के लिए तो करते भी हैं, लेकिन अपनी ऑडियंस, हमारे लिए ऑडियंस हमारी बहुत मैटर करती है। तो मुश्किल होता है इन सब चीजों से, जब ऐसे कैरेक्टर्स आप निभा रहे हो और आपको लगता है कि आपकी फैमिली पे अटैक हो रहा है, और आपकी फैमिली जो बबलू और स्वीटी इतने इम्पोर्टेंट थे, तो वो ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं, कहते ना वो चोट लग जाती है। तो जो 9th एपिसोड में हुआ था क्लाइमैक्स में, वो हमें चोट लगी थी। अब उस चोट को हमने सीजन 2 में बार बार खुरेद खुरेद के खुरेद खुरेद के, क्योंकि हमें अपने इमोशंस वहीं से लेने थे। तो वो एक काफी मुश्किल प्रोसेस था। एंड वही मेरा अगला सवाल था कि गन चलाना कितना सीख गई है श्वेता जी, क्योंकि अब गन चलाना तो बिल्कुल, मतलब जितना कैरेक्टर के लिए रिक्वायर्ड था उतना ही सीखा। बिल्कुल प्लेजेंट एक्सपीरियंस नहीं, बिल्कुल भी मजा नहीं आया। बहुत लाउड होता है, बहुत ही नेगेटिव होता है। तो जिनको भी लगता है कि गन पावरफुल है, मैं बस एक चीज कहना चाहूंगी कि आपका जो दिमाग है वो सबसे पावरफुल चीज है। अगर वो आपने पावरफुल बना लिया तो एक कलम भी पावरफुल हो सकता है, और मतलब स्याही भी पावरफुल हो सकती है, और आपके किचन में चाहे जो भी चम्मच चाकू हो वो भी पावरफुल हो सकता है। बिल्कुल। श्वेता जी, जिस तरह से पार्ट 1 आई थी मिर्जापुर, लोगों की उम्मीदें बहुत बढ़ गई थी। हम कभी कभी देखते हैं पार्ट 2, कोई भी अगर फिल्में भी अगर हम देख लें, अगर उसका जी पार्ट, अगर दूसरा पार्ट आता है वो उतना अच्छा बन नहीं पाता। लेकिन यहाँ पर हम देखें, मिर्जापुर 1 अगर अच्छी आई तो 2 भी अच्छी थी। एंड लोगों को जितनी उम्मीदें थी उससे जी ज्यादा लोगों को मिला है। एंड जिस तरह से लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है। सो एज एन एक्टर कुछ प्रेशर रहता है कि 1 अच्छी थी तो 2 को भी उतना ही अच्छा ऑडियंस क्या एक्सेप्ट करेगी, ऐसा कुछ एज एन एक्टर प्रेशर होता है श्वेता जी के ऊपर? एज एन एक्टर प्रेशर नहीं, बहुत एक्साइटमेंट होता है, क्योंकि हम लोग भी मिर्जापुर के बिगेस्ट फैंस हैं। तो हम लोग जब जा रहे थे सेट पे ऑन day 1 आल्सो, तो हमें ये पता था कि हमने एक चीज बनाई है जो ऑडियंस ने इतनी प्यार से एक्सेप्ट की है। तो हम उनको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते, हम एक दूसरे को लेट डाउन नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि जब हम सीजन 2 वापस लोगों तक आए, तो इवन लास्ट डे तक अभी भी हमें ये लगता है कि उनको मजा आना चाहिए, एंटरटेन उनको होना चाहिए। और अगर एंटरटेनमेंट के साथ साथ उन्होंने कुछ महसूस किया, कुछ सीख लिया, तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी विन है। लेकिन ऐसे इस हिसाब से तो सीजन 3 जैसे, वही ना कि हम खुद भी ऑडियंस है, अगर हम ऑडियंस नहीं होते तो अलग बात थी। हमें सीजन 3 की बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, मोर देन ऑडियंस। मतलब मैं जानना चाहती हूँ कि गोलू क्या करेगी, गोलू का क्या होगा, गोलू कहाँ जाएगी, क्या सोच रही है, उसको हमेशा बदला चाहिए था। तो इस वे में प्रेशर थोड़ा बहुत होता है, लेकिन प्रेशर से ज्यादा एक्साइटमेंट होता है। श्वेता जी, क्योंकि आप इस सीरीज का पार्ट है इसलिए लोग जानना चाहते हैं, अगर आप कुछ बता दें कि शूटिंग कब से स्टार्ट होगी या कुछ काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, अगर आप कुछ बता सकती हैं इस पार्ट 3 के बारे में? शूटिंग तो अभी तो बहुत टाइम है, क्योंकि कुछ भी अच्छा बनने में, कुछ अच्छा लिखने में टाइम लगता है, और लगना चाहिए भी। तो एज एन एक्टर मैं तो हमेशा चाहती हूँ कि मेरे जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको टाइम वो ले, क्योंकि हमें कुछ कच्चा किसी को नहीं देना है। हमारी ऑडियंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि हमारी तरफ से कुछ आधा अधूरा ऑडियंस तक पहुंच जाए। तो अभी जहां तक मुझे पता है कि राइटिंग चालू है, और फिर राइटिंग के बाद प्री प्रोडक्शन होता है, प्री प्रोडक्शन के बाद शूटिंग होती है, शूटिंग के बाद पोस्ट प्रोडक्शन होता है। तो इसी तो कभी काफी टाइम लगेगा। जी बिल्कुल। ऐसी कोई मेमोरी अगर मैं बात करूं, मिर्जापुर 1 एंड 2, हर एक्टर चाहता है कि उसका जो कैरेक्टर हो वो सदा के लिए हिट हो जाए, हमेशा हिट हो जी जाए, हमेशा अमर रहे। ऐसी कोई मेमोरी श्वेता जी के साथ में रहती है मिर्जापुर के लिए? मैं कभी ऐसा नहीं सोचती हूँ कि मेरा कुछ बहुत हिट हो जाए। मैं अपना काम पूरा करना चाहती हूँ, और फिर मैं ऑडियंस पे छोड़ देती हूँ कि उनको कैसा लगेगा। मेरा काम होता है कि मैं सेट पे जाऊं और मैं जस्टिस करूं उस बात को जो मेरे डायरेक्टर ने और मेरे राइटर ने इमेजिन किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब मसान आई थी तो मुझे यही था कि मुझे शालू का किरदार मेरे डायरेक्टर एंड राइटर ने जैसे इमेजिन किया हो, उनको ये लगे कि हाँ ये शालू है, क्योंकि उनको अगर लगेगा तो ऑडियंस को भी लगेगा। जी अः
तो मतलब हाँ वही है कि उतना वो प्रेशर में लेती नहीं हूँ। मुझे ये कि मुझे जब मैं सेट पे जाऊँ, जैसे मैंने कहा कि आई लव माई जॉब, मुझे वो करने में बहुत मजा आता है, तो हमेशा मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जाऊँ वो कभी इंजॉयमेंट खत्म ना हो। जिस दिन मुझे लगता है वो मजा खत्म हो जाएगा ना, उस दिन फिर वो सारी चीजें अगर मैं इंजॉय नहीं करूंगी अच्छे से तो मेरी ऑडियंस नहीं इंजॉय कर पाएगी। तो मेरा मतलब मोटिव तो वही रहता है, और मैं फिंगर्स क्रॉस्ड है सीजन 3 के लिए कि जब भी होगा भौकाल अब तो सिग्ना होगा। जी बिल्कुल, जब भी आएगा भौकाल होगा, हम सभी को सीजन 3 का इंतजार है। इसके अलावा जी श्वेता जी, कैप लाइन अगर, क्योंकि जो आपका अपकमिंग है फिल्म, अगर आप कुछ बता सके कि कब तक ये लोगों के बीच में आ जाएगी, एंड अगर आप कुछ बता सके। मैंने अभी कल से मेरा एक नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है नेटफ्लिक्स के लिए, जिसके लिए मुझे अभी बात करने को मना किया गया है क्योंकि उनको अनाउंस करना है पहले, और उसके बाद मैं, हाँ जी जी जो मैं बात कर रहा हूँ ये वही प्रोजेक्ट है। कौन सा? एस्केप लाइव हॉटस्टार के लिए है, ओके, वो एक और प्रोजेक्ट है। तो इस नवंबर में ही मेरे 3 मतलब मैं किरदार निभाऊंगी, एक नेटफ्लिक्स के लिए है, एक हॉटस्टार के लिए है, और एक मेरे बहुत ही खास डायरेक्टर जो है मेरे आकर्ष खुराना, उनकी फिल्म है रश्मि रॉकेट, तो उसमें मैं एक गेस्ट अपेयरेंस कर रही हूँ। बात है, मतलब आपके जो फैन है वो अब ऐसे रेडी हो जाए बैक टू बैक। और बिल्कुल एब्सोल्युटली। और फिर जब मिर्जापुर सीजन 3 रेडी होगा तो वो तो होगा ही, लेकिन उसके पहले भी अब वो आप कुछ ना कुछ देखते रहेंगे। सो क्या परफेक्ट जॉनर भाई, होगा? सॉरी टू इंटरप्ट अरुण, वी हैव ओनली 2 मिनट्स। ओके ओके ओके, हाँ हाँ जी क्या शुरू कह रहे थे करें। आप अरुण? मैं बातें कर रहा था कि क्या जॉनर होगा, अगर आप इतना सा कुछ बता सके जो आपकी नेटफ्लिक्स आने वाली है, नेटफ्लिक्स पर जो आने। बाप रे, थ्रिलर, एक्चुअली दोनों, एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है एस्केप लाइव वाला, ब्लैक मिरर टाइप का, और जो नेटफ्लिक्स वाला है वो भी वो ड्रामा थ्रिलर, क्योंकि आजकल तो जो जॉनर्स भी होते हैं वो इतने सारे हो गए ना कि एक वर्ड बिल्कुल में कंप्लीट नहीं होता है। तो हाँ ये मतलब बट थ्रिलर मान लीजिए। चलिए, अगर मैं बात करूं आपकी फैमिली मेंबर से जिन्हें आप स्लो चीता बुलाती हैं, अगर जी उन्होंने देखा होगा, अगर उनका क्या रिएक्शन था? उनको तो बहुत मजा आया, उन्होंने एक साथ एपिसोड्स नहीं देखे, उन्होंने थोड़े 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 करके देखे, क्योंकि बहुत कुछ है समझने के लिए, तो वो जल्दीबाजी में नहीं देखना चाहते थे, और उन्होंने देखा और वो तो उनको तो मजा आ गया। वो वेट कर रहे थे, उनको थोड़े से स्पॉइलर्स भी पता चल गए थे, क्योंकि जब आप एक्टर्स के साथ रहते हो तो कुछ ना कुछ पता चल जाता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, मुझे स्पॉइलर्स देना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। लेकिन कई बार वो गलती से, क्या आप किसके साथ शूट कर रहे हो या सेट पे क्या हुआ, इसके बहाने थोड़ा थोड़ा पता चल जाता है, पर उनको बहुत मजा है। इनफैक्ट वही नहीं, मेरे मेरे पेरेंट्स जो दिल्ली में है, माई मदर लॉ, माई फादर लॉ, दे ऑल, उन्होंने तो एक दिन में, मेरे पेरेंट्स ने और मेरे लॉज ने, उन्होंने आई थिंक 2 दिन के अंदर अंदर पूरा देख लिया था, क्योंकि उनसे इंतजार ही नहीं हो रहा था, और उनको सबको बहुत ही बढ़िया लगा। सुपर। एंड श्वेता जी, आज करवा चौथ है, कुछ जी करवा कहना चाहेंगे आप? पहले तो कुछ मैं फास्ट चौथ रखती। में मैंने ये बनाया है मेहंदी का, ये चीता का पौ है, तो ये मैंने किया है, और आज काम खत्म। आज तो एक्चुअली काफी बिजी डे है, काफी काम है, फिर कल से शो भी चालू हो रहा है, तो आज बहुत होमवर्क है करने के लिए, तो या लेकिन ये वही फैमिली का सपोर्ट, पार्टनर का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, और अगर आप, आपके पास वो प्यार और सपोर्ट रहे तो आप अपने काम में और भी बेहतर कर सकते हैं, जो लकीली मेरे पास है। दिवाली भी आ रही है, सो हम ऐसा माने कि श्वेता जी की तैयारियां पूरी हो चुकी है दिवाली सेलिब्रेशन की। मेरा सबसे बिगेस्ट फेस्टिवल मेरा काम होता है, मेरा काम फाइनली भी लॉकडाउन के बाद हम लोग सेट पे जा रहे हैं, तो मेरे अभी दिवाली तो मेरे लिए बहुत दूर है, मेरे लिए तो कल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि मैं अपना अपने वर्क प्लेस को काफी सेक्रेट मानती हूँ। मुझे बहुत बहुत कुछ दिया यार मेरे काम ने और मेरी ऑडियंस ने, तो सबसे पहले वन डे एट ए टाइम, हाँ दिवाली के कपड़े हो चुके हैं ऑर्डर, और जो कपड़े हैं इनफैक्ट हम लोग को इतना पसंद आया कि मेरी मम्मी, मेरी बहन, मेरी मदर इन लॉ, मेरी सिस्टर इन लॉ और मैं, हम सब एक एक ही डिजाइन पहन रहे हैं। क्या बात है, जी चलिए
बहुत ही अच्छी बात है, एंड हमसे बात करने के लिए श्वेता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू एंड अरुण, आपको हैप्पी दिवाली अभी से, और न्यू ईयर्स की भी शुभकामनाएं, क्रिसमस की भी, एंड आप ऐसे ही अच्छा काम करते रहिए और हम आपके लिए और मौका लाते रहेंगे। मौका लाते रहेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच एंड थैंक गुड यू लक। अरुण।